सबसे पहले तो अपने किरदार के बारे में थोड़ा कुछ ब्रीफ कर दीजिए, एक लॉयर का किरदार निभाने वाले हैं, अपने रियल लाइफ मतलब रियल लाइफ में आप कैसे और कितना कनेक्ट करते हैं इसके साथ? वो लॉयर का रोल है, मैं एक्टर हूँ, कहाँ से कनेक्ट करूँगा इसको? नेचर वाइज कहाँ से कनेक्ट होगा? वो लॉयर है, मैं एक्टर हूँ, कनेक्ट करना मुश्किल है। लेकिन हाँ, फिल्म के बारे में बता सकता हूँ कि मेरा किरदार जो है लॉयर का किरदार है। और आ जाओ सेल्फी ले लेते हैं, सेल्फी ले लो, क्या कर रहे हो? अच्छा रिकॉर्ड हो रहा है, अच्छा अच्छा, मैं समझा सेल्फी ले रहा हूँ, फ्लैश आ गया सडनली। और साथ में ये इसके अंदर जो भी आप देखोगे, देर आर रियल केसेस एंड बचपन में मैंने अकबर बीरबल की कहानियाँ सुनी थी, तो बीरबल जैसे आप लोगों ने भी सुनी होगी कि बहुत स्मार्ट आदमी था एंड हाउ यूज टू सॉल्व थिंग्स, जो अकबर उसके सामने रख देता था, उसी पे कैरेक्टर को भी मैंने अपने आप को उस बीरबल के हिसाब से रखा हुआ है। इसीलिए माथे पे अगर आप देखोगे तो टीका लगा हुआ है। And so it was fun playing this character. What was the challenges you faced, and is it deliberate choice that you're taking such kind of roles? Is it your deliberate choice? Yeah, it keeps you always on the toes because you do different characters and you don't take your work for granted, you don't take your audience for granted, and you challenge yourself, and which keeps you motivated also. So it is a kind of a deliberate attempt that I try to do something different. जी मैंने स्टडी नहीं की, मेरे डायरेक्टर ने काफ़ी स्टडी की थी, जिन्होंने फिल्म लिखी भी है और डायरेक्ट भी की है। सो वैसे मेरे डायरेक्टर जो हैं वो एक पॉलिटिकल जर्नलिस्ट रह चुके हैं, तो उनको काफ़ी नॉलेज थी ये सब चीज़ों के बारे में, तो इसलिए उन्होंने ये फिल्म लिखी है। सो जितनी भी मुझे मेहनत करनी थी वो उन्होंने की थी, और उन्होंने मुझे बताया कि कैसे इसके ऊपर ध्यान दिया जाए और कैसे अपने आप को इसके अंदर सही रखा जाए। To play demanding, yeah, I don't think it. हाँ, वो एक्चुअली हमारी फिल्म में रिलेशनशिप ऐसी है कि यू नो ही इज़ अ वेरी इज अ मैन हु वॉन्ट्स टू डू सो मच फॉर हिज फैमिली एंड ही वॉन्ट्स टू यू नो अर्न लॉट ऑफ मनी एंड टेक केयर ऑफ हिज वाइफ एंड शी इज ऑल्सो लाइक यू नो शी हैज देयर एस्पिरेशन, एक मिडिल क्लास फैमिली है, तो हर फैमिली की एस्पिरेशन होती है कि हम यहाँ घूमने जाएँ या कोई अच्छी चीज़ खरीदें, सो दे कीप हैविंग दैट एंड बट एट द सेम टाइम इट्स अ रिलेशनशिप जहाँ दोनों एक दूसरे को बहुत प्यार करते हैं और प्रोटेक्ट भी करते हैं। So my character at least is of course, you know, I'll fight with him or I'll be aggressive with him, but at the same time I'll be like, I can say anything to you, but nobody else should talk to Jolly incorrectly, you know. So that's the kind of relationship that we have. Huma, jitne bhi kalakar jo acche hain, aap mein ek sweet complaint hi hoti ki Akshay bahut jaldi shoot karna start karte hain, bahut early in the morning start, which is a good thing. Well, I genuinely don't have any complaints. I think, you know, the one reason why he is so good at his work and he's so successful at what he does is because of his sense of discipline. And as an actress, I feel very happy that, you know, you come early, but you also pack up early, you know, and it's all productive work. You don't come and faff and, you know, I mean, in 33 days, you finish the whole film. I don't think anybody else can sort of, you know, deliver like a whole film in that kind of time. And I think it's amazing. Any cool habits that from Akshay which has got stuck with you? Because jitne bhi actors hote hain, wo Akshay ki guide ka nata leke aata hai to working with him. Aapke sath koi aisa diet plan stick ho gaya? Actually, humne to bade mazey kiye Lucknow mein when we were shooting. Diet plan? Diet plan kyun karenge? No. But he's not. This is a wrong notion, bhaiya. I eat what you eat. But sirf yehi hai ki 6:30 baje last khana hota hai. ऐसे तो मैं भी मीठा खाता हूँ, मैं भी पूरा जो कुछ खाना है, चावल, दही, वेजिटेरियन, सो सारा, मतलब जो गुलाब जामुन खाने के बाद पान, ये सब चीज़ें मैं खाता हूँ, ऐसा कुछ नहीं है। सो बट हाँ, एक सवा घंटा कसरत कर लिया एंड मतलब एक नॉर्मल जिंदगी जीना। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ वही है, 6:30 बजे खाना खा लो, लास्ट खाना आपका हो, बस then I don't think you will have any problem, खास करके diabetes and
heart attack. These are the two things which are the major problems in our country. You can control that only with one habit of 6:30 khana kha lo. And agar aap usme kahoge to main abhi us pe thesis likh dunga better. मैं थोड़ा डरी हुई थी क्योंकि मैं ऑल्दो स्कूटी चला सकती हूँ, मैंने पहले भी एक फिल्म में चलाई है, बट मुझे था कि मतलब ये पीछे बैठे हुए हैं एंड आई वाज आई प्रैक्टिस अ लॉट. तो एक हमारे असिस्टेंट ने इसको बोला था डरने की जरूरत नहीं, मेरा पैर नीचे है, गिरेगी तो मैं तो निकल जाऊंगा. मैंने कहा नहीं, बट आई वाज स्कैर्ड अगर आपको लग गई तो आपके चार प्रोड्यूसर आ जाएंगे मेरे. कह तो रहा हूं गिरेगी नहीं, मतलब मैं नहीं गिरूंगा, मेरा पैर नीचे है, अगर तू गिर गई तो मैं तो निकल जाऊंगा. और जी हीरोइन गिर गई. फिर क्वेश्चन बदल दिया. उसके बाद उससे पहले डाला था. जी थॉट प्रोसेस तो उसी के अंदर है, 5 मिनट का है, सारा थॉट प्रोसेस उसी में नजर आ रहा है. आई एम वेरी हैप्पी दैट द रिस्पॉन्स विद द गवर्नमेंट वॉज वेरी फास्ट एंड आई एम वेरी थैंकफुल टू द गवर्नमेंट दैट दे रिस्पॉन्डेड सो फास्ट एंड आई होप एवरीथिंग गोज आउट एंड बिकॉज दिस इज नॉट फॉर this is a thing from the civilian to the army. It's a respect to the army from the civilian. So that was just the idea about it. Actually, वो डेरन में भी हमने देखा कि आप कहते हैं कि क्या सलमान खान की शादी हो जानी चाहिए, तो आप मानते हैं कि ये जो क्वेश्चन है वो नेशनल क्वेश्चन बन चुका? नहीं नहीं डार्लिंग, उसमें क्या होनी चाहिए नहीं, कब होगी क्वेश्चन वो है. सो वो तो एक ऐसे ही अपना डायलॉग लिखा था क्योंकि आई वॉन्टेड टू, वो जो जिसको मैं पूछता हूँ उसको मैं फंसाना चाहता हूँ. तो वाकई में नहीं है ये जानना, नहीं है वाकई में ये नहीं जानना है. दैट इज़ हिज सलमान्स पर्सनल लाइफ एंड वो तो मैं उस आदमी को जो जिसके ऊपर क्वेश्चन कर रहा था उसको फंसाने के चक्कर में. नहीं जी अभी तक मेरे साथ नहीं हुआ है. मेरा मैंने कभी अभी तक कोर्ट में कोर्ट के चक्कर नहीं काटे. सर इस फिल्म में आप जो है कोर्ट में जाते हैं, इसके बाद फिर आते हैं घर का सारा काम करते हैं, क्या ये रियल लाइफ में हुआ है आपके साथ? हाँ जी मैं आता हूँ घर पे, आके घर पे मतलब आके खाना बनाता हूँ काम करने के बाद कभी कभी. हाँ रोज नहीं. लास्ट मैं मुझे नहीं पता, वो आपको फॉक्स को पूछना पड़ेगा. बस यही कहूँगा कि लॉ को लेना नहीं चाहिए हाथ में. थैंक यू वेरी मच. थैंक यू वेरी मच. Now we're